व्यक्ति विशेष की जो जन्म जयंती मनाते हैं या किसी भी महापुरुष की जो जन्म दिवस मनाते हैं, ये साधारण बात नहीं है। कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती है साधारण रूप से घरों में अपने माँ बाप की जयंती नहीं मनाते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष जो हमारे समाज के और राष्ट्र में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कि अपना जीवन त्याग करके सर्वस्व त्याग दिया समाज के खातिर के समाज के उत्थान के लिए, हमें क्या किया, जो त्याग करता है उस बलिदान को याद रखा जाता है। हम जन्म के रूप में जो उन्होंने त्याग किया, बाबा साहब हो, बाबा साहब के से पहले भी हमारे समाज में बहुत ही समाज सुधारक हुए, उन सभी ने त्याग किया है, हम उनकी भी जयंती मनाते हैं। ये आज अधिकतर रूप में बाबा साहब का प्रचलन इसलिए हुआ है, वो ऐसे विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे समाज के अंदर जिन्होंने कि सारे भारत को जगाया, ना तो भारत के उन समान पीढ़ी हुई जातियों को जगाया जो कि दबे कुचले रहते थे, जिनके ऊपर अत्याचार होता था, उनके प्रति संघर्ष किया और उन्होंने त्याग किया। इसी वजह से हम अपने महापुरुषों का, बाबा साहब भगवान बुद्ध हों, उनसे पहले भगवान बुद्ध हुए और हमारे और भी कमी हुए हैं, ये बुद्ध सिंह प्रेमी अकेले कभी नहीं है, बहुत कमी है। आगरा के राम प्रसाद कर्दम जी भी कभी हुए हैं, बहुत उच्च कोटि के कवि हुए जो बाबा साहब के सामने बाबा साहब के जीवित थे। मैंने उनको सुना है, मैंने बाबा साहब को 1856 में आगरा के अंदर मैं सत्ता से रेखदल का एक वॉलंटियर था, मैंने सुना और तब वहाँ पर कर्दम जी का जो कविताएँ थी उनका पाठ हमने सुना। तो हमारे पहले आर्य समाज के रूप में सब लोग गोरख पीट पीट के गली गली मोहल्ले जाकर के वहाँ पर जो है समाज को अलग सिखाया जाता था, धर्म के बारे में बताया जाता था। बाबा साहब ने तो सन 1953 में बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि रंगून में ले गई थी, उसको बीमार कहते हैं। 53 के अंदर बाबा साहब ने 56वें धर्म ग्रहण किया, लेकिन बाबा साहब का इतना अध्ययन धर्म का जो रास्ता दिखाया है बाबा साहब ने, वो इतना अद्भुत रास्ता दिखाया है, कोई भी इस पर चलेगा आठ का आर्य पथ शुद्ध धर्म का पथ कदम कदम चलते हुए दुर्जन हो गए ऐसे। इसलिए ऐसा निकला, वास्तव में बात यह है कि बाबा साहब ने जो धर्म अख्तियार किया था वो धर्म इतना आसान धर्म नहीं था, आसान वो केवल छोटे लोगों की समझ में नहीं आ सकता। उसमें कहा है पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने, स्वाप खातो भगवता तमो संदीप जी को अकाल को ही बस को उपनाय को पचतम वेद तव्य विन्युमीति, ये इतना सूक्ष्म धर्म था। और बाबा साहब ने चार प्रकार के आदमी बताए, पहला आदमी वो जो अपना हित करता है, दूसरा आदमी वो दूसरे का हित करता है, तीसरा आदमी वो जो ना अपना हित करता है ना दूसरे का हित करता है, और चौथा आदमी वो जो अपना भी हित करता है और दूसरे का भी हित करता है। ऐसा आदमी भगवान बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति निकला है। ऐसे ही भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व लाभ प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने वो अपना तो भला किया, वो सम्यक सबूत बने, लेकिन वो चाहते थे जिस रास्ते को मैंने खोज निकाला है उस रास्ते पर सभी लोग चले, उस रास्ते को अपनाएं, तो निश्चित रूप से जैसे मैंने अपने दुख और दर्द को दूर किया है, अपने दुखों का विमुक्ति पाई है। कोई आदमी कब देगा, मैं आपसे मेरे से क्यों पूछ रहे, अगर मैं धर्म के बारे में जानता हूँ तभी तो बता पाऊंगा, जब मैं जानता नहीं हूँ तो नहीं बता पाऊंगा। तो लोगों ने धर्म को लोगों ने समझा नहीं, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, जब धर्म को जान लिया था तब भगवान बुद्ध ने कहा था शरद भिक्खवे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकम लोकानुकम पाय अत्था हिताय एव वृषाल देशेद भिक्खवे आदि कल्याण मध्य कल्याण परियोसान कल्याण है केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्य प्रकाश। जाओ बच्चो धर्म के लिए प्रचार प्रसार करो, प्रचरण करो, और एक आदमी या दो आदमी एक साथ में जाओ, अकेला ही जाओ और धर्म के बारे में बताओ। ऐसे ही जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो बताया कि बाबा हमारे भारत में भिक्षुओं की बहुत कमी है, धर्म का प्रचार समझाने के लिए बहुत कमी, अपने ही धर्म की पुष्टा को तैयार करो। तो भारतीय बौद्ध महासभा ने शिविर लगा करके बौद्धाचार्यों के शिक्षण तैयार किए और धर्म को फैलाने के लिए।
अभी 7-8-9 का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन गुवाहाटी में हुआ था, वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया था, वहाँ मैंने एक इंग्लिश में पेपर सबमिट किया था, मॉरल डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, उसके ऊपर मेरा और लोगों ने बड़ा सराहा। करीब 15 राष्ट्रों के लोग वहाँ पर आए थे, उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की बहुत पूर्व प्रशंसा की और मुझे विदेशों में 3 जगहों से आमंत्रण मिला है कि आप आइए। हम धर्म के बारे में जानेंगे, धर्म को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम मानेंगे। और उसका पहला है सील, समाधि और प्रज्ञा। सील पर आधारित, सील जो धर्म की नींव है और ध्यान धर्म की भीत है, प्रज्ञा भवन छत्ते मंगल भवन भीत। और सबसे इसका कारण मुख्य होता है अपना मन सब पापस अग्रणंग कुशलस उपसंपदा सचित्त प्रयोग बदरंग एतंग बुद्धानुशासन। ये बुद्ध की शिक्षा है।